हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था? एस्टिमेशन ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन। क्लियर बेटा? चलिए, तो वहां से हमारा वो प्रेसिपिटेशन चैप्टर क्लोज हो गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है उस पर? चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए, तो इवेपोरेशन में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लियर है? चलिए बेटा, तो इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन बेसिक एक कूलिंग प्रोसेस है। क्लियर है? क्या है? कूलिंग प्रोसेस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर बॉडी से अपना लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? गैसियस स्टेट में। क्लियर है? क्या हो जाता है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए समझते हम कैसे होता है ये। चलिए समझते हैं हम। देखिए, वाटर बॉडी है। क्लियर? कोई वाटर बॉडी है? वॉटर बॉडी, अब ये कुछ भी हो सकता है, लेक, पॉन्ड और सी। क्लियर है? चलिए, एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? सन। कौन है? सन। क्लियर है? सन है ना, सूरज दादा। क्लियर? तो क्या, जब सन रेस या सन हीट फॉल होती है या वाटर बॉडी से मीट करती है तो क्या होगा बेटा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? राइज होने लगेगा। सबसे पहले कौन सी सरफेस का होगा? अपर सरफेस का। सबसे अपर सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा? राइज होने लगेगा बेटा, धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट करेगा। और उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से आने से पहले ये हमारा अपर सरफेस का जो वाटर है क्या होगा? गैसियस या लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। क्लियर बेटा? क्या होगा? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। क्लियर है? तो कन्वर्ट होगा किसमें? होगा गैसियस स्टेट में। क्लियर है? और हल्का होने के कारण गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा? वो हल्का हो जाएगा। उसकी वेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। क्लियर बेटा? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चले। चलिए, तो अब हेडिंग डालिए इवेपोरेशन। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। इट इज द प्रोसेस। दिख रहा? क्लियर? इन विच लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू गैसियस स्टेट एट फ्री सरफेस बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर है? क्लियर है? क्या है, कैसी प्रोसेस है ये, जिसमें लिक्विड हमारा अपने स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है फ्री सरफेस पर। क्लियर है? फ्री सरफेस मतलब सबसे अपर सरफेस। क्लियर है? बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर आने से पहले, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस से आने से पहले के टेम्परेचर पर जब हमारा वाटर अपनी स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। बेसिकली इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? कूलिंग प्रोसेस। क्लियर है? कूलिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इन विच लेटेंट
हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय वाटर बॉडी। क्लियर है? नोट करो इसको, नोट करो। क्लियर? और उसको बेटा कूलिंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, कूलिंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? जब यहां पर सनलाइट जब फ्री सरफेस पर आएगी, मीट करेगी, तो यहां का टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर। कैसा होगा? हाई टेम्परेचर। क्लियर है? पर जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, अपर एनवायरमेंट में लिफ्ट करेगी, तो कैसा होगी? धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस होने लगी। क्या है? ठंडा होने लगी। क्लियर बेटा? कैसा हो जाएगा यहां पर टेम्परेचर? कैसा होगा? लेस टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो रहा है? कूलिंग प्रोसेस हो रही ना। पहले कैसा था? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था और फिर यहाँ पे कम था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली कूलिंग प्रोसेस। क्लियर है? फिर क्या होता है? वेपोराइजेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, फिर ठीक है क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन फिर होता है, अलग बात है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो रहा है उसका, तो उसको हम क्या, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम? कूलिंग प्रोसेस। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे चले, आगे चले। चलिए लॉ लिख लीजिए, डाल्टन्स लॉ। हेडिंग डालिए डाल्टन्स लॉ। क्लियर? तो भाई डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर है बात? मतलब कि जो इवेपोरेशन का रेट है, मतलब इवेपोरेशन होने की जो दर है, वो किसके डिफरेंस के बराबर होता है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। रेट ऑफ evaporation is directly proportional to difference of saturated vapor pressure ES बोलते हैं उसको। क्लियर है? एंड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर बेटा? EA। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लें इसको हम। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, अगर अगर हम रेट इवेपोरेशन को क्या बोले हम? ई, देन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस माइनस ई ए। क्लियर है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस माइनस ई ए। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो पता है क्या आएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट के इनटू ईएस माइनस ईए। क्लियर है? बॉक्स में बंद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट करो, नोट करो। इक्वल्स टू के इनटू ईएस माइनस ईए। चलिए आगे चले, आगे चले। देन व्हाट इज ई एस एंड ई ए? पता चल गया हमें? क्लियर? पता चल गया ना क्या है ई एस? क्या है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो लिख लीजिए, वेयर
वेयर के इक्वल्स टू डाल्टन्स कॉन्स्टेंट, क्लियर, ईए इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ एयर एंड ईएस इक्वल्स टू सैचुरेटेड एयर प्रेशर, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए बेटा, ये ईएस है ना, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड का मतलब क्या, मैक्सिमम सैचुरेटेड है वहां पे वो, ठीक है, ईएस की वैल्यू हमेशा ईए से ज्यादा होगी, क्लियर है बात, आगे बात समझ में, ईएस की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल से या फिर वेपर ऑफ एयर से प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगी, बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें, आगे चलें, चलिए इवेपोरेशन समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसमें। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्लियर है, हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लियर है, कुछ कुछ फैक्टर्स उस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, कुछ प्रोसेस उस कुछ फैक्टर उस प्रोसेस को क्या करते हैं, रेट ऑफ प्रोसेस डिक्रीज कर देते हैं, क्लियर है बात। चलिए तो वो फैक्टर जान लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर है, एक तो फैक्टर आपको पता है कौन सा, डायरेक्ट फैक्टर टेम्परेचर, क्लियर है बात, टेम्परेचर। दूसरा क्या पता है आपको, सरफेस एरिया, क्लियर है बात, सरफेस एरिया। चलिए तो हम नोट करते हैं, आ जाइए नोट करिए, फैक्टर्स हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्लियर है, चलिए बेटा फर्स्ट डालिए टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्लियर है, तो टेम्परेचर से कैसा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा उतना ही ज्यादा वेपराइजेशन होगा, क्लियर है बात, जितना ज्यादा सनलाइट आएगी इस पे उतना ही ज्यादा ये वाटर वाटर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपने स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है, तो कैसा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सनलाइट के बढ़ने से हमारा वेपराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर है, तो और सनलाइट के कम होने से कम हो जाएगा, बात क्लियर है, इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है, तो लिख लीजिए, चलिए लिखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलिंग टेम्परेचर, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम टी से रिनोट करें, टेम्परेचर किससे रिनोट करें, टी, तो देन टी इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी टी नहीं, ई इज प्रोपोर्शनल टू टी, क्लियर है, E is proportional to T, नोट कर लो, नोट कर लो, पूछ लेगा किसी पेपर में, गेट में पूछ सकता है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बता देंगे हम, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलें आगे चलें, आगे चलें, चलिए बेटा, सेकंड क्या फैक्टर अपना, सेकंड क्या नॉन फैक्टर अपना, सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्लियर है, तो सरफेस एरिया कैसा समझ में आ रहा देखने में भाई, जितना ज्यादा वाटर बॉडी का एरिया होगा उतना ज्यादा अमाउंट में वाटर फ्री यहाँ पे रहेगा, सरफेस पे फ्री सरफेस पे रहेगा, क्लियर है, तो जितना ज्यादा वाटर फ्री सरफेस पे रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्लियर है बात, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
अगली बात समझ में, अगर वाटर बॉडी का एरिया, सरफेस एरिया कम होगा तो कम अमाउंट ऑफ जो एरिया है वो हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर लार्ज वाटर ऑफ एरिया है, क्लियर, लार्ज वाटर ऑफ सरफेस एरिया सन के या हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज directly proportional to surface area। clear है, clear है, चलो नोट कर लो। अगर हम सर्फेस एरिया को as बोलें, सर्फेस एरिया क्या बोले, as, तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, e is proportional to as। clear है, चलो नोट कर लो इसको। चल आगे चले, थर्ड पॉइंट चले, थर्ड पॉइंट चले, थर्ड पॉइंट अपना बेटा विंड वेलोसिटी। क्लियर, विंड वेलोसिटी कैसा कैसा करेगा ये, या विंड स्पीड बोल सकते हैं उसको। क्लियर है, क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहाँ पे विंड प्रेजेंट रहेगी, क्लियर, विंड प्रेजेंट रहेगी चारों तरफ, तो जितना ज्यादा विंड रहेगा या जितना विंड का स्पीड रहेगा तो हीट के साथ जब हमारा ये गैसेस स्टेट में ट्रांसफर होने लगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो विंड के साथ वो एक्शन क्या होगा, रैपिड होगा। क्लियर है, जितना ज्यादा हवा की स्पीड होगी वो एक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर, लेकिन एक कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब एक मैक्सिमम स्पीड पर आके इवेपोरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर, उससे ज्यादा अगर फिर हम विंड स्पीड अपनी बढ़ाएंगे तो उससे इवेपोरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, मतलब एक लिमिट तक तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक लिमिट के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा इवेपोरेशन। क्लियर, उस पर फिर कोई विंड का इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात, चलिए तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, बट इफ विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई then it does not affect the evaporation। clear है बात, clear है बात, note कर लो। ठीक है, मतलब एक limit तक तो wind velocity बढ़ाते जाएंगे हम तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्लियर बात, लेकिन बेटा जब एक सर्टेन लिमिट आ जाएगी, मतलब अपनी मैक्सिमम इवेपोरेशन होने लगेगा जब, उसके बाद भी हम विंड वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या हमारे इवेपोरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलें, आगे चलें, चौथा, चौथा कौन सा अपना बेटा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये क्या बेटा, डाल्टन्स लॉ, क्या है अपना, डाल्टन्स लॉ पढ़ा हमने ना, क्या क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर बात, उसको लिखना, स्टेटमेंट लिखना जरूरी क्या दोबारा, नोट कर लो यहां पे डायरेक्ट, ई इज प्रोपोर्शनल टू ई एस माइनस ई ए। क्लियर बात,
नोट करो इसको, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। चलिए बेटा आगे चलते हैं, सोल्यूबल साल्ट्स। सोल्यूबल साल्ट्स वाटर में क्या साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, कुछ टेम्परेरी कुछ परमानेंट, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उनका बताइए, बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा उनका। अगर 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 हमारे वाटर में सोल्यूबल साल्ट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर है, मतलब उसमें सॉल्ट जो है वो घुले हुए हैं, तो क्या होगा, वो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम कर देंगे। क्लियर है बात, मतलब जितना ज्यादा सॉल्ट होगा वाटर में या जितने ज्यादा सोल्यूबल मिनरल्स होंगे तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्लियर, मतलब क्या सी का इवेपोरेशन ज्यादा क्यों नहीं होता, नहीं समुद्र तो सूख जाएगा ना, तो भगवान ने क्या सोच के बनाया ना, नहीं उनको तो सब पता ही है, ठीक है। क्या मतलब समुद्र का इवेपोरेशन कम क्यों होता है, क्योंकि क्या उसमें सोल्यूबल साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर बात, तो फ्रेश एयर का सॉरी फ्रेश वाटर का क्या होगा, सी वाटर के कंपेरिजन में ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्लियर, क्लियर बात, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीज with increase in soluble salts. Clear है, clear है बात, note कर लो इसको। चलो एक पॉइंट और लिख लिया यहां पे, सी वाटर इवेपोरेशन, सी वाटर इवेपोरेशन इज लेस देन 2.3%। क्लियर है, इज लेस देन 2.3% एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। क्लियर है बात, फ्रेश वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा सी वाटर से, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में हमारे ये रिवर वाटर में क्या होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। क्लियर बात, और समुद्र में यानी सी में क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स रहते हैं। क्लियर, तो उसका क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। क्लियर बात, नोट कर लो, नोट कर लो। चले बेटा आगे चले, चले आगे चले, हेडिंग डालिए, सिक्स पॉइंट कौन सा है अपना, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। क्लियर है, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, क्लियर, चलो हेडिंग डाल लो, लिखो, इन समर इवेपोरेशन इज हाई ऑन शेलो वाटर बॉडीज। ठीक है, नोट करो, नोट करो बेटा, क्या है, समर में इवेपोरेशन कहाँ ज्यादा होगा, शेलो वाटर बॉडी में, मतलब उथले पानी में ज्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर है, कैसे, चलिए देखते हैं हम, समर की बात कर रहे हैं ना, हम समर की बात कर रहे हैं, चलो ये ज्यादा गहरा नहीं है, क्लियर, शैलो है ये, शैलो वाटर बॉडी है ये, क्लियर, तो समर में कैसा होगा, समर में मोर एनर्जी आएगी, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया के कॉन्टेक्ट में आएगा इसका इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, डेप्थ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्लियर, फ्री सरफेस पर ही जो
लेयर अवेलेबल रहेगी वाटर की, उसी का ज्यादा इवेपोरेशन होगा। बात क्लियर है? इसीलिए समर में शैलो वाटर बॉडीज जो होती हैं, यानी कि उथली वाटर बॉडीज जो होती हैं, उनका ज्यादा इवेपोरेशन होता है। नोट कर लो। चलो सेकेंड पॉइंट लिखो, इन विंटर एवापोरेशन इज हाई ऑन डीप वाटर बॉडीज, क्लियर है? कैसे? ये हमारा डीप वाटर बॉडी है मान लिया, क्लियर बात बेटा? ठीक है, तो विंटर में कैसा होगा, ठंडियों में क्या होगा, सूर्य की रोशनी कम आएगी ना, लेस हीट, क्लियर, लेस हीट। और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहेगा हमारा, ठंडा रहेगा, क्लियर। तो ये जो लेयर है ये तो कैसी रहेगी, ये ठंडी रहेगी, क्लियर। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा है, कैसा पानी जब हम किसी फ्री सरफेस का ठंडियों में पानी टच करते कैसा रहता है, एकदम कूल रहता है ना, ठंडा रहता है एकदम, ये भी कैसा रहेगा, एकदम ठंडा। पर ये जो टेम्परेचर है ऐसे लाइन वाइज नीचे आता है, फिर पॉइंट बाई पॉइंट नीचे डेप्थ में जाता है, तो ऊपर का जो है वो कोल्ड रहेगा, पर नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर है उनका टेम्परेचर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। क्योंकि यहां तक हीट या एनर्जी नहीं आ पाती, क्लियर, देर से आती अगर आती भी तो, क्लियर। तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर, क्लियर, एज कंपेरिजन टू अपर लेयर, क्लियर बात। तो विंटर में इसीलिए क्या बोलते हैं कि डीप वाटर बॉडीज का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लियर बात, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तुम पढ़ चुके पहले, क्लियर। चलो नोट कर लो, इन विंटर इवेपोरेशन इज हाई ऑन डीप वाटर बॉडीज। क्लियर है। चलो पॉइंट और लिख लो, सातवा लिख लो लास्ट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा इवेपोरेशन कम होगा, क्लियर। और जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होगा वैसे ज्यादा इवेपोरेशन हमारा ज्यादा होगा, क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, क्लियर है बात, लिख लो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नोट कर लो बेटा इसको, चलिए बेटा। तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जाना पहले क्या होता है, किसी भी लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है हमारा इवेपोरेशन, वो भी कैसे कंडीशंस में, फ्री सरफेस बॉडी वाटर बॉडी के बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, क्लियर है बात। कैसा टेम्परेचर जो हमारा कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पे, क्लियर है बात। उसके बाद हमने क्या पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन कौन कौन से, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, सरफेस एरिया, क्लियर है, वेपर प्रेशर, क्लियर है, सोल्यूबल साल्ट्स, ये सब हमने पढ़े। और जाना कि उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं ये सारे एक मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, कभी कभी दो मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, क्लियर, कि किस फैक्टर पर हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होता है और किस फैक्टर पर हमारा इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, क्लियर है। तो होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो
तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ हार्डियोलॉजी में, बहुत मजा आने वाला है। कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, मेजरिंग डिवाइसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए यार, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। चलिए कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।